हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A21s और ओवो रिनो 7 को कंपेयर। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं अब हम इनकी बैटरी की। तो बैटरी में फ्रेंड्स, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A21s बेटर है ओवो रिनो 7 से। इसकी 6000 mAh की बैटरी है और ओवो की 4500 mAh की बैटरी है। यहाँ पर कलर दोनों के ही बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर हम दोनों को ही ग्रीन टिक देते हैं। और बात करते हैं अब इनकी वेट की। तो वेट में यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी का स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, तो हम उसे ग्रीन टिक देते हैं। तो और बात करें अब इनकी फिंगरप्रिंट की, तो दोनों में ही फिंगरप्रिंट अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर दोनों को ही ग्रीन टिक देते हैं। और बात करते हैं अब इनकी रिफ्रेश रेट की, तो रिफ्रेश रेट 19 Hz की है ओप्पो की, तो उसे हम ग्रीन टिक देते हैं। और बात करते हैं अब इनकी हाइट की, हाइट में यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A20s बेटर है। और बात करें इनकी थिकनेस की, तो थिकनेस में फ्रेंड्स ओप्पो रिनो बेटर है, इसकी 7mm थिकनेस है। और बात करते हैं अब इनकी डिस्प्ले की, ओप्पो में एमोलेड डिस्प्ले अवेलेबल है जो कि सैमसंग में नहीं है। और बात करें इनकी विथ की, तो विथ यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर सैमसंग की बेटर है। और अब चले आगे, तो बात करते हैं इनकी फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट सेल्फी कैमरा का 32 MP का ओप्पो का है और 13 MP का सैमसंग का है। और बात करते हैं अब इनकी बैक कैमरा की, तो बैक कैमरा में भी ओप्पो का बेटर है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चार्जिंग स्पीड की। तो चार्जिंग स्पीड में यहाँ पर हमारा ओप्पो रिनो 7 बेटर है। और बात करें इनकी प्रोटेक्शन की, दोनों में ही गोरिल्ला क्लास प्रोटेक्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम दोनों को ग्रीन टिक देते हैं। और बात करते हैं आगे और बात करें इनकी बिल्ड मटेरियल की, यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम दोनों में है, तो यहाँ पर हम दोनों को ग्रीन टिक देते हैं। और बात करते हैं अब इनकी स्क्रीन साइज़ की, तो स्क्रीन साइज़ दोनों में ही सेम है, तो दोनों को यहाँ पर ग्रीन टिक देते हैं। अब बात करते हैं इनकी नेटवर्क सपोर्ट की, तो 5G है ओप्पो और सैमसंग है 4G, तो 4G को हमें यहाँ पर रेड टिक देते हैं। तो अब बात करते हैं इनको प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर यहाँ पर ओप्पो का बेटर है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 का यहाँ पर प्रोसेसर है ओप्पो में। और बात करें सिम टाइप की, दोनों में ड्यूअल सिम का ऑप्शन अवेलेबल है। और बात करते हैं वेरिएंट की, वेरिएंट दोनों के ही बेटर हैं, आप जौन सा लेना चाहे ले सकते हैं। प्राइस की बात करें, तो प्राइस में भी यहाँ पर दोनों ही बेटर है, सैमसंग का स्टोरेज रैम के हिसाब से कम है। तो यहाँ पर विनर है हमारे ओप्पो। तो फ्रेंड्स, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।